नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। दबंगों द्वारा लड़की को अगवा कर बुरी नियत से बंधक बनाकर घर के अंदर की गई मारपीट। कोतवाली पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में NCR पंजीकृत कर की खानापूर्ति। पीड़िता ने लगाई पुलिस अधीक्षक बांदा से न्याय की गुहार। जी हां, पूरा मामला उत्तर प्रदेश जनपद बांदा कोतवाली नरैनी के जमवारा गाँव का है, जहाँ पर 3 व्यक्तियों ने खेत से घर आ रही लड़की को अगवा करके अपने घर के अंदर बंधक बनाकर मारपीट किया और लड़की ने आरोप लगाया है कि सोने की चैन एवं कान के बाले छीन लिया। चीखने चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए और लड़की को बंधक मुक्त कराया। पिता ने पुलिस अधीक्षक बांदा से मिलकर दबंग व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने जाने की मांग की है। मेरी सुनाई नहीं हो रही है और कप्तान साहब से बताया तो कह रहे हैं कि वहाँ जाइए तो सुनेंगे। कौन सुनवाई नहीं कर रहा तुम्हारी? नरैनी कोतवाली वाली। कप्तान साहब ने क्या कहा? कह रहे हैं वहीं जाइए और वहीं सुनेंगे, उनको पकड़ेंगे और सब करेंगे वहीं लोग। घटना क्या हुई है आपके साथ में? मारपीट हुई है। अपने यहाँ रास्ते बोरिंग से आ रही थी, रास्ते में पकड़ कर उन ले गए अपने घर, पैर बांध दिया और हाथ बांध कर और सर और पैर हाथ भूसे से मारा है। इरशाद सुलेमान और मुख्तार तीनों लोगों ने मिलकर मारा, जान से खरे मार डालेंगे और चैन और हमारे चैन और कान को उतार लिया है उन्होंने। क्या किसी ने देखा सुना है घटना को? बहुत लोग उधर थे और हमारे भाई फिर आए थे, उन्होंने बचाया नहीं, जान से मार डालने को कह रहे थे। कहाँ से आए हैं? क्या मामला हो गया? मामला हो गया कि रोड से जा रहा था। हाँ। रोड के बगल से घर है उसका। किसका? इरशाद का। हाँ। लड़की रो रही थी। हाँ, लड़की क्या नाम है जो रो रही थी? का नाम आसनी। अच्छा। हाँ हाँ, तो उधर से घूम के गया। तो क्या देखा वहाँ पे आपने? ये देखा कि लड़की को बांध के डाले थे घर के अंदर। डाले थे अंदर? जी, घर के अंदर डाले थे। फिर रो रही थी तो मैं देख दरवाजे से देखा तो मैं लौट आया, उससे से पूछा क्यों रो रही है, पागल है इसलिए बांध के डाले। अच्छा, मारते थे। फिर आपने क्या किया? मैं कुछ नहीं था, खड़ा रहा, बस देख कर लौट आया। घर वालों को बताया इनके? हाँ, घर वालों को बताया, फिर पहुँचा भाई उसका। तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।